और अगर आपको एक दिन का डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए तो फिर आप क्या तीन ऐसे काम करेंगी, तीन क्षेत्र बताइए। वाह मैम, आपने एक ही बार में पूरा एनालिसिस कर दिया, अभी तक का सबसे अच्छा एनालिसिस आपने दिया है। मेरा दूसरा इंटरव्यू इससे पहले मिस का दिया था, तो पिछली बार क्या गलतियाँ रही, तो मैंने कहा सर मैं मिनिस्टर्स के नाम नहीं बता पाया था, तो वो इस बार मिनिस्टर्स के नाम पूछ लिए थे जो हटे हैं ना अभी मध्य प्रदेश में आ गए, उनके जगह कौन नियुक्त हुआ था। और मैं पटवारी पद पर हूँ, जमीनी स्तर पर काम करती हूँ, तो वहाँ किसानों के संबंध में पूछा था और सबसे बड़ा सुधार क्या हुआ है इस पद के लिए वो पूछा था। मेरी हॉबी थी रामचरितमानस सुनना, तो मेरे से उससे रिलेटेड थे राम राज्य क्या है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं और महिलाओं से संबंधित कुछ है क्या। और नमस्कार दोस्तों, 24 अप्रैल आज दिनांक को हम फिर से हाजिर हो चुके हैं MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, और यहाँ हम आज बात करेंगे उन एस्पिरेंट्स की जिन्होंने इंटरव्यू दिया और किस तरह उनका इंटरव्यू रहा, साक्षात्कार में किस तरह का बोर्ड मिला, किस तरह के प्रश्न पूछे गए। रोज़ की तरह इस बार भी हम आप पूरा एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे, पूरे एनालिसिस को देखिएगा और एक अनुमान लगाइएगा कि किस तरह से आपको इंटरव्यू की तैयारी करना है। तो आइए चलकर एक एक करके बात करते हैं अभ्यर्थियों से और उनसे पूछते हैं उनका अनुभव। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, हमारे से जुड़ चुके हैं सबसे पहले एस्पिरेंट सर, आपका नाम? मेरा नाम कार्तिकेय मुद्गल है। कार्तिकेय जी, कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा रहा। ओवरऑल कितने मिनट चला होगा? 15 मिनट के आसपास। सर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? सारे ही क्वेश्चंस पूछे गए, मेरे डेप्थ में मेरी हॉबी पे ज़्यादा फोकस किया गया, इसके अलावा करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे गए और मेरे ग्रेजुएशन पे अच्छा खासा डिस्कशन हुआ। सर कुछ प्रश्न बताएंगे आप? हाँ, जैसे मेरी हॉबी सामाजिक हास्य धारावाहिक देखना होता है, तो फिर वो हास्य पर चले गए कि क्या हास्य एक स्थायी भाव होता है, रस होता है या नहीं होता है, रस की डेफिनेशन क्या होती है, विभाव अनुभाव संचारी भाव ये क्या होते हैं, इस पर क्वेश्चंस पूछे थे। ग्रेजुएशन में AC DC में क्या डिफरेंस होता है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, और ऐसे क्वेश्चंस रहे थे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। करंट अफेयर से क्या क्या प्रश्न पूछे गए? करंट में डायरेक्टली नहीं पूछा, लेकिन मुझसे ये पूछा था कि मेरा दूसरा इंटरव्यू इससे पहले मिस का दिया था, तो पिछली बार क्या गलतियाँ रहीं, तो मैंने कहा सर मैं मिनिस्टर्स के नाम नहीं बता पाया था, तो वो इस बार मिनिस्टर्स के नाम पूछ लिए थे जो हटे हैं ना अभी मध्य प्रदेश में आ गए, उनकी जगह कौन नियुक्त हुआ था, और मध्य प्रदेश के थोड़े मंत्री वगैरह के पूछा, तो बता पाया कुछ और कुछ मैं सॉरी बोलना पड़ा। सर जैसे उनको पता चला है दूसरा प्रयास है, तो क्या पहले प्रयास की कुछ गलतियां उन्होंने पूछी आपसे? ये पूछा ना कि पहले क्या गलतियां रहीं आपकी, तो उससे फिर उन्होंने ये मंत्री वाला क्वेश्चन कनेक्ट कर लिया था। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन रिपीट करा? नहीं, और कोई नहीं। चलिए सर, रिजल्ट के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे साथ एक और एस्पिरेंट जुड़ चुके हैं। मैम आपका नाम? खुशबू साहू। खुशबू जी कैसा रहा? सर अच्छा रहा है। ओवरऑल कितने मिनट चला होगा? लगभग 15 मिनट। मैम किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? डेफ रिलेटेड थे, जैसे कि मैं पटवारी पद पर हूँ तो जॉब रिलेटेड थे, और करेंट में देखा जाए तो थोड़े दिन पहले जो मातृशक्ति शब्द चर्चित में रहा है तो उसके संबंध में पूछा, और जैसे कि जो मेरा कॉलेज है कॉलेज के नाम से पूछा था, यूनिवर्सिटी के नाम से पूछे थे। और मैं पटवारी पद पर हूँ, जमीनी स्तर पर काम करती हूँ, तो वहाँ किसानों के संबंध में पूछा था और सबसे बड़ा सुधार क्या हुआ है इस पद के लिए वो पूछा था। फिर उसके अलावा जमींदारी प्रथा, चकबंदी क्या होती है, सीलिंग एक्ट क्या है, और डिजिटलीकरण से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन रहे हैं। मैम क्षेत्र से रिलेटेड, जिस क्षेत्र से आपने उससे कुछ क्वेश्चन? जैसे कि मेरा गृह जिला रीवा है, तो रीवा के संबंध में सुंदर जाम के बारे में पूछे थे, जिसे GI टैग हाल ही में दिया गया। महिला सशक्तिकरण से कोई क्वेश्चन? महिला सशक्तिकरण से पूछे थे, इनडायरेक्टली पूछे थे कि महिलाओं के लिए समस्या उनके लिए क्या है अभी, और क्या आप करना चाहेंगे उनके बेहतरीकरण के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन थे। जिस पद पर आप हैं उस पद में कुछ समस्या से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा गया? उस पद से नहीं पूछा था, लेकिन उसी पद से रिलेट करके महिलाओं के संबंध में पूछा था कि आपने देखे होंगे ऐसा। कौन सा बोर्ड मिला मैम आपको? श्री राजेश लाल मेहरा सर का बोर्ड था। मैम आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। हमसे जुड़ चुके हैं एक और एस्पिरेंट्स। मैम आपका नाम? दुर्गा वर्मा। दुर्गा जी कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर ठीक था। कितने लगभग कितने देर तक चला होगा? 10 से 12 मिनट। मैम किस प्रकार के प्रश्न थे? मेरी हॉबी थी रामचरितमानस सुनना, तो मेरे से उससे रिलेटेड थे राम राज्य क्या है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, और महिलाओं से संबंधित कुछ है क्या, और वर्तमान पाठ्यक्रम में कुछ जोड़ा जाना चाहिए क्या जो उसमें विशेष है, तो ये था। और मेरी यूनिवर्सिटी थी हरिसिंगौर, तो उसके बारे में पूछा, इसरो क्या है वो पूछा, और GDP, FDI, मनी मार्केट, और ये कैपिटल मार्केट, ये सारी चीज़ें थी, बाकी इतना ही अभी याद कर पा रही। मैम बोर्ड आपको कौन सा मिला? सर मेहरा सर का।
और ये पहला प्रयास था आपका? नहीं, मतलब ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। तो इससे पहले जो इंटरव्यूज दिए उसकी कुछ गलतियाँ आपसे पूछी गई थी? नहीं, मेंस का पूछा था कि आपका अगर नहीं हो पाया था तो पिछली बार आपने कौन सा निबंध लिखा था, ये पूछा था। मैम, करंट से रिलेटेड कुछ पूछा? नहीं, करंट का कुछ नहीं। जिस क्षेत्र से आप उस क्षेत्र से कुछ प्रश्न? हाँ, छिंदवाड़ा से हूँ मैं, तो छिंदवाड़ा की विशेषताएं बताएं और वहाँ की कुछ फसल है क्या विशेष, तो वो पूछा था। ओवरऑल कैसा लगा आपको? ठीक था। ऑल द बेस्ट मैम रिजल्ट के लिए। थैंक यू। हमसे जुड़ चुके हैं एक और एस्पिरेंट्स। मैम आपका नाम? मुस्कान गुप्ता। मैम मुस्कान जी, कैसा गया आपका? ठीक था। कितने देर तक चला होगा? लगभग 10-12 मिनट। और बोर्ड आपको कौन सा मिला? रैकवर सर जी का बोर्ड था। मैम अगर देखा जाए तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? सबसे पहले तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, फिर रोल नंबर, फिर ये मेरा कौन सा प्रयास है। मैंने बताया कि मेरा दूसरा प्रयास है, तो पहला किस बोर्ड में था, कितने नंबर मिले थे, क्यों नहीं हुआ, ये सब क्वेश्चन थे उनके स्टार्टिंग में। फिर उन्होंने हॉबी से पूछे थे कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी हॉबी मेहंदी लगाना और डायरी लिखना है। तो उन्होंने मेहंदी से क्वेश्चन पूछे कि मेहंदी किस संस्कृति से बिलोंग करती है, मेहंदी की क्या विशेषताएँ होती है, मेहंदी का महत्व बताइए, किस धर्म की लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने उन्हें वैदिक संस्कृति बताया और हिंदू धर्म की जो 16 श्रृंगार होते हैं उनमें से एक बताया। तो उनके कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी थे कि ऐसा नहीं होता है, फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करने लगे, फिर आगे बढ़ गए, फिर पूछते हैं आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप क्या बनना चाहती हैं, और अगर आपको एक दिन का डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए तो फिर आप क्या तीन ऐसे काम करेंगी, तीन क्षेत्र बताइए। तो फिर मैंने उन्हें शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य का क्षेत्र बताया। तो फिर उन्होंने पूछा, बोला कि इस क्षेत्र तो काफ़ी विस्तृत है, इन क्षेत्रों को आप 12 घंटे में कैसे कवर कर पाएंगी। मैंने इसका जवाब दिया। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपकी वरीयता क्या क्या है, मैंने उन्हें बताया। फिर दूसरी मैम थी, मैम के पास आ गया, मैम ने मुझसे पूछा कि राजनीतिक विचारकों के बारे में बताइए, उनकी रचनाएँ बताइए, कौन कौन से राजनीतिक विचारकों को आप याद कर पा रही हैं, कौन कौन से विचारक आपने पढ़े हैं। फिर एक सर और थे, उन्होंने मुझसे हंसी और मुस्कान में अंतर पूछा कि मुस्कान और हंसी में क्या अंतर है। और फिर एक और सर थे, उन्होंने, मैं शिवपुरी से हूँ, पूछा कि आप कहाँ से हैं, उनका वहाँ के कलेक्टर कौन हैं, और जिस संभाग से हैं वहाँ के संभाग आयुक्त तो कौन है, और चंबल संभाग है तो कितनी दूर है आपसे, वो कौन कौन से ज़िले आते हैं उसमें, उसके संभाग आयुक्त तो कौन है। और जैसे मैं एक प्राथमिक शिक्षक हूँ, तो उन्होंने पूछा कि आपके स्कूल का नाम क्या है, अभी आप सरकारी सेवा में हैं फिर भी इधर आना चाहती हैं, बस इस टाइप के क्वेश्चन। वाह मैम, आपने एक ही बार में पूरा एनालिसिस कर दिया, अभी तक का सबसे अच्छा एनालिसिस आपने दिया है। मैम आशा करता हूँ कि आपका हो ही जाए इस बार। थैंक यू सर। हमसे जुड़ चुके हैं एक और एस्पिरेंट्स। मैम आपका नाम? अंजलि उपाध्याय। अंजलि मैम, कैसा गया आपका? ठीक था इंटरव्यू। ओवरऑल कितने मिनट चला होगा? 10-12 मिनट। और बोर्ड आपको कौन सा मिला? चंद्रशेखर रायकवार जी। अच्छा, बात करते हैं तो किस तरह से शुरुआत करी, क्या प्रश्नों का स्तर था? सबसे पहले डेफ से ही शुरुआत की थी, उन्होंने मुझसे अंजलि नाम का अर्थ पूछा था, उसकी मुद्रा भी बनवाई थी, और उसके अलावा एक क्वेश्चन करंट से पूछा हुआ था, संवृत्ति सूची के बारे में और 16 संस्कारों के बारे में। इसके अलावा जहाँ से आप क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से, वहाँ से कोई प्रश्न उठा? जी बस वहाँ पर क्या समस्या है, नॉर्मल एक प्रश्न था। ज़्यादा महिलाओं से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया? जी, महिलाओं की समस्या पूछी थी एक दो, और इसके अलावा जनजातियों से संबंधित एक प्रश्न। कुछ प्रश्न अगर आपको याद है बताना चाहेंगी? सर मुझे डेफ से ही नॉर्मल हुए हैं तो मुझे ज़्यादा तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, जैसा कि हमने बाकी लोगों से बात करी, कुछ जनरल भी पूछा गया, जैसे ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चन आए आपसे? जी सर, मेरा भजन हॉबी थी तो मुझसे नहीं पूछा गया था, भजन का ही पूछा गया था थोड़ा सा, कि किसको अभी, किस भजन गायक को अभी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चलिए मैम, रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।